क्योंकि ये कहा जा रहा है, हमारे जो विश्व सूत्र हैं उन्होंने भी बताया था कि श्रीदेवी ने एक बार ब्रीफ किया था सुशांत को कि बहुत ही गंदा वर्ल्ड है बॉलीवुड, ये बहुत ही गंदा है और इससे थोड़ा सा संभल के रहना। और ये बात सुशांत एग्जामिन भी कर रहे थे, सुशांत एक प्रकार से इन्वेस्टिगेट भी कर रहे थे। तो इनके सामने सुशांत ने खुद को एक डिप्रेशन का पेशेंट पोर्ट्रे कर दिया और इन और उन रिया को लग रहा था कि अब सुशांत मेरी चाल में पूरी तरह से फंसता जा रहा है। इसे बाइपोलर डिक्लेयर करके, इसे बाबू सोना मोना कह करके, इसको फंसा करके अपने तरीके से प्लान करना है, क्योंकि सारे स्टाफ को, चाहे वो सैमुअल मिरिंडा हो, सिद्धार्थ पिठानी हो, सब रिया के कब्जे में था। और अभी तो ये कार्ड लेने की बात कह रहा है, कह रही है, और ये वही दौर था जहां से उसने कार्ड लेना शुरू किया। और सुशांत इस बातचीत में कह रहे हैं कि हमको इमीडिएटली जो है स्पेंडिंग को रोकना पड़ेगा, खर्च को रोकना पड़ेगा, हम खर्च ज्यादा नहीं करेंगे। एक बाइपोलर इंसान जिनको खुद डिप्रेशन में है, वो यही सब बात करेगा क्या? और बहुत ही खुलकर के बात कर रहा है, उनकी बातचीत से कहीं से भी नहीं लग रहा है कि ही इज इन डिप्रेशन। नो वे। If you just read and examine the audio of Sushant, you won't find anywhere that he is under depression. Nowhere. उनका कोई भी लक्षण ये नहीं बता रहा है कि सुशांत under depression थे इस बातचीत के लिहाज से। लेकिन वो फिर भी इसमें कह रहे हैं कि I will talk to my doctor. Why this video, this audio has been released? Because the conspirator want that. They want to establish that he himself was bipolar. Depression का वो शिकार था और बहुत ही खतरनाक depression का शिकार था। और उसमें fixes होता है mind, कभी इस तरफ कभी उस तरफ, कभी इस तरफ कभी उस तरफ। Situation मैं आपको एक और बात बताता हूं। मेरी एक बातचीत हो रही थी एक मुंबई के किसी सूत्र से इसी investigation के क्रम में, तो मैंने उनसे पूछा कि जब आप मिले सुशांत से तो आपको कैसा लगा? तो बहुत ही स्लैंग शब्द में कहा, बहुत एरोगेंट था। कहा चलिए मानते हैं कि बहुत एरोगेंट था, और क्या कमी उसमें नजर आई? तो यार वो बड़ी बड़ी बातें करता था। क्या बड़ी बातें करता था भाई? वो पता नहीं, बहुत ही हाई लेवल की बात करता था, इंटेलेक्चुअल बात करता था। तो ये चर्ची गैंग में तो वो बाइपोलर हो ही जाएगा, वैसे भी हो जाएगा, क्योंकि चर्ची गैंग में उनकी बात समझ में नहीं आएगी। वो मेटाफिजिक्स की बात कहां से समझेंगे? वो कॉस्मोस की बात करते थे, वो कहां से समझेंगे? वो यूनिवर्स की बात करते थे, वो कहां से समझेंगे? ये चर्ची गैंग, ये जो क्रिमिनल माफियाओं का गैंग चला रहा है, ये खान ब्रदर्स, डंके की चोट पर कह रहा हूं, ये पूरे गुंडों की फौज जो बॉलीवुड को लीड कर रहा है, ये चर्ची गैंग किस सूरत में समझेगा सुशांत के इंटेलेक्ट को? और इस बातचीत में सुशांत मेंशन कर रहा है, आप हैरान देखिए, ये जो जिसका मैं तस्वीर दिखा रहा हूं इस शख्स का, इस शख्स के घर पर अभी कुछ दिन पहले गोली चली थी, जिसके ऊपर आरोप था उसकी मौत हो गई। बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा कि इन्होंने मारा है, कस्टडी में जाकर के उनकी हत्या की गई है, ये कस्टोडियल डेथ है। कोई चर्चा आपने सुनी क्या? इस ये जो मोटा आदमी आप देख रहे हैं, इसके घर पे जो फायरिंग करने वाला शख्स था उसकी हत्या हो गई। असदुद्दीन ओवैसी ने कुछ कहा क्या? कहा क्या? उत्तर प्रदेश के कुछ माफिया की मौत हुई तो कहा कि रूल ऑफ लॉ को फॉलो करना चाहिए। बिल्कुल, मैं भी मानता हूं रूल ऑफ लॉ को फॉलो करना चाहिए। मैं उसी रूल ऑफ लॉ के आधार पर यह कह रहा हूं कि सलमान खान के घर पर गोली चलाने वालों में जो दो अपराधी जिनको जिनके ऊपर के आरोप लगा, उसमें से एक की मौत हो गई और उन्होंने हैंग कर लिया, वो भी पुलिस कस्टडी में। यह हैंग है या हत्या है? इसकी जांच हुई क्या? किसने जांच की? कहां है वो रिपोर्ट? किसने पूछा? नहीं पूछा, वही नैरेटिव चल गया। भाई जो गोली मारेगा, गोली फायर कर रहा है, उसका कोई बहुत अच्छा इंसान तो है नहीं। वो अगर फायर कर रहा है तो उसमें वो जो एक नैक है, क्रिमिनल एलिमेंट है, तो वो क्रिमिनल एलिमेंट है, वो अभी पकड़ाया है, अभी ट्रायल चलना है, वो खुद को हैंग कर लेगा।
सुसाइड कर लेगा, आपको लगता है ऐसा? हैंग नहीं है, ये मर्डर है, और ये पुलिस कस्टडी में ब्रॉड डे एंड लाइट में मर्डर है, ये माफिया चला रहे हैं। और कमाल की बात है, ये मुख्यमंत्री बार बार, महाराष्ट्र सरकार के मुख्यमंत्री बार बार उनको कंसोल करने पर लगे हुए हैं कि सलमान भाई आपके ऊपर जो हमला किया है हम उसको छोड़ेंगे नहीं। अरे मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के, जरा बोलो इस बात के ऊपर कि एसआईटी क्या कर रही है? अपनी पुलिस को भेज रहे हो तुम राजस्थान? एक फायरिंग हुई है अभी, किसी की मौत नहीं हुई है, किसी सिरफरे ने मान लीजिए फायरिंग हुई, गिरफ्तार करो। एसआईटी तुम्हारी क्या कर रही है? बेशर्म एडमिनिस्ट्रेशन, इस तरह की पॉलिटिकल धूर्तता कर रहे हो, बेशर्मी की इंतहा है। महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री एसआईटी गठित करता है, एक साल बीत गया उस एसआईटी की कोई रिपोर्ट नहीं आती है, बेशर्मी, पॉलिटिकल बेशर्मी की इंतहा है। शर्म करना चाहिए, शर्म करना चाहिए फडणवीस को, शर्म करना चाहिए एकनाथ शिंदे को, शर्म करो फडणवीस और शर्म करो एकनाथ शिंदे। एक साल से एसआईटी कोई कदम नहीं बढ़ा रही है और सलमान के घर पर फायरिंग करने वाले को गिरफ्तार किया और कस्टोडियल डेथ हो गया। यह काम है आपका? ऐसे प्रोटेक्शन देते हो माफियाओं को? हिम्मत है तो बताओ देश को, बताओ एसआईटी क्या कर रही है? हिम्मत नहीं है बताने की देश को कि एसआईटी क्या कर रही है। और अभी खामियाजा भुगते हो, अभी और भुगतने वाले हो, और जब ये आएंगे तो यही तुम्हें परेशान करने वाले हैं, ये भी जान लो। और ये आएंगे, आप इसे लूप दे रहे हो, आप इसे थाली में परोस के सत्ता देने जा रहे हो, उन्हीं कुकर्मियों को सत्ता देने जा रहे हो जिन कुकर्मियों से सत्ता आपने छीनी थी। ये नेचुरल जस्टिस हुआ कि बाप बेटे की सरकार चली गई, आज आप उन्हीं के हाथ में सत्ता देने जा रहे हो अपनी अकर्मण्यता की वजह से। किस किस माफिया को बचाने की कोशिश कर रहे हो, किस ड्रग कार्टेल को बचाने की कोशिश कर रहे हो? इस लेडी के इशारे पर ये जो ऑडियो रिलीज किया गया है, इससे साबित क्या करवाना चाहते हो? क्या करवाना चाहते हो कि सुशांत बायपोलर था? सुशांत बायपोलर नहीं था, सुशांत एक्टिंग कर रहा था, और सुशांत को मालूम हो गया था कि यह फ्रॉड लेडी जो है, ये फ्रॉड लेटी पूरी तरह से। गन्ने की कड़ी बुनियाद, जिसे मराठी में खुड़किया और कुछ उत्तर भारत के क्षेत्रों में खुटकी भी कहा जाता है, उसे केवल भोलानाथ का 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर आसानी से और बिना रुकावट के काट सकता है।